हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप होंगे बहुत ही बढ़िया। मैं इस चैनल का होस्ट, आप लोगों का दोस्त अंकित, आप लोगों का इस वीडियो और इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने तो सेफ्टी पिन का नाम सुना ही होगा, सुना क्या देखा भी होगा और इसका उपयोग भी किया होगा। दोस्तों, ये सेफ्टी पिन देखने में तो काफ़ी छोटी सी है, पर इसकी उपयोग अनेक है। आज के वक्त में इसका उपयोग लगभग सभी लोग अपने काम के अनुसार करते ही हैं, खास तौर पर महिलाएं। दोस्तों, आप लोगों ने इसको देखा भी है और इसका उपयोग भी किया है, पर क्या आप लोग जानते हैं कि इसका आविष्कार किसने और कब किया? जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इसी विषय पर है कि सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने और कब किया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले वाल्टर हंट ने सेफ्टी पिन का आविष्कार किया। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इससे इनकी ज़िंदगी बदल गई। दरअसल इनके पिता लोहे के व्यवसाय से जुड़े थे। वाल्टर हंट के ऊपर पुरखों का $15 का कर्जा था, जिसको वह चुका नहीं पा रहे थे। इससे तंग आकर उन्होंने सन 1849 में सेफ्टी पिन का आविष्कार कर दिया और फिर इससे उन्होंने अपना कर्ज उतार दिया। इस पिन को वाल्टर ने सबसे पहले WR&Company को बेचा, जिसमें कंपनी ने उन्हें एक बड़ी संख्या में सेफ्टी पिन बनाने का ऑर्डर दिया। इस बिजनेस से वाल्टर ने $400 कमाए और अपना कर्ज वापस किया। लेकिन दोस्तों, उस वक्त वाल्टर ने सभी को सेफ्टी पिन के बारे में कुछ इन शब्दों में समझाया था। यूजफुल, इम्प्रूवमेंट इन द मेकअप फॉर्म ऑफ ड्रेस पिन्स। वाल्टर ने सबसे पहले सेफ्टी पिन को 8 इंच के तांबे के तार से बनाई थी। यह पहली पिन थी जिसमें पिन को रोकने के लिए बक्कल लगा हुआ था। वाल्टर ने अपनी सेफ्टी पिन के पेटेंट 10 अप्रैल सन 1849 को ही मिल गए थे। दोस्तों, सेफ्टी पिन के आविष्कार के बाद वाल्टर ने सिलाई मशीन, ट्रॉम घंटी, स्पिनर और सड़क साफ करने वाली मशीन का आविष्कार किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।